नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। वियतनाम विश्व के नक्शे पर बसा एक ऐसा देश जो अक्सर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में छाया रहता है। वजह है चीन, जिसकी विस्तारवादी सोच से उसकी सीमा से लगा हर देश परेशान रहता है, जिससे वियतनाम भी अछूता नहीं। यही वियतनाम एक बार फिर सुर्खियों में, लेकिन इस बार वियतनाम की सुर्खियों में छाए रहने की वजह चीन नहीं, भोलेनाथ का अद्भुत शिवलिंग। वही शिवलिंग जो चीख चीख कर कह रहा है कि बौद्ध को मानने वाले वियतनाम में कभी हिंदुत्व का भी अस्तित्व रहा है। बुद्ध के देश में हर हर महादेव। दरअसल दक्षिण चीन सागर के किनारे पर बसे देश वियतनाम के साथ भारत के अच्छे संबंध। यहाँ चौथी से लेकर 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ी कलाकृतियां मिलती रहीं। संरक्षण परियोजना के तहत वियतनाम में इन दिनों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI खुदाई कर रहा है। खुदाई के दौरान ही ASI को माईसन मंदिर परिसर में 9वीं शताब्दी का एक ऐसा शिवलिंग मिला जो बलुआ पत्थर से निर्मित है। हैरानी की बात यह है कि करीब 1100 साल बाद भी ये एकदम सुरक्षित है। शिवलिंग मिलने की जानकारी देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर लिखा, 9वीं शताब्दी का अखंड बलुआ पत्थर शिवलिंग वियतनाम के माईसन मंदिर परिसर में जारी संरक्षण परियोजना की नवीनतम खोज है। ASI टीम को बधाई। विदेश मंत्री ने खुदाई की कुछ तस्वीरें ट्वीट करते हुए इस खोज को भारत की विकास साझेदारी का एक महान सांस्कृतिक उदाहरण बताया। जिस माईसन मंदिर में यह ऐतिहासिक शिवलिंग मिला है, इसका निर्माण चंपा के राजाओं ने 4थी से 14वीं शताब्दी के बीच कराया था। ये मंदिर वियतनाम के क्वांगनाम प्रांत में करीब 2 किलोमीटर की लंबी चौड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हिंदुओं का गढ़ था चंपा। वियतनाम का चंपा क्षेत्र माईसन मंदिर का निर्माण कराने वाले राजाओं का गढ़ माना जाता था। यहाँ चम समुदाय का शासन 2री से 18वीं शताब्दी तक माना जाता था। हिंदुओं का गढ़ रहे इस क्षेत्र में ज्यादातर लोग हिंदू ही थे, लेकिन आगे चलकर लोगों ने बौद्ध और इस्लाम धर्म अपना लिया, जिससे चंपा क्षेत्र में हिंदुओं की आबादी घटती गई और आज हालात ये हैं कि वियतनाम की पहचान एक बौद्ध देश के रूप में। यहाँ हिंदू ना के बराबर है। चम शासन के दौरान यहाँ की मुख्य भाषा संस्कृत थी।